गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं कुक विज्योति चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खोया। खोया काफी चीजों में यूज होता है और जिस भी किसी चीज में डलता है उसका स्वाद और बढ़ जाता है, वो काफी यम्मी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं खोया। आइए फ्रेंड्स, खोया बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। आप देख सकते हो, एक बड़े बर्तन में मैंने दूध लिया हुआ है, जिसमें से मैंने आधा दूध कढ़ाई में डाल दिया है। ये 4 लीटर दूध था फ्रेंड्स, 2 लीटर मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और इसे मैंने सुबह ही उबाल दिया था, क्योंकि ये भैंस का दूध है और काफ़ी दूर से आता है तो इसका फटने का डर होता है। तो हमने सारी मलाई अपनी कढ़ाई में डाल ली है और सबसे पहले मैंने इस दूध को गैस पे चढ़ा दिया है और आप देख सकते हो कि मैं चम्मच से चलाते हुए इसे पका रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं चम्मच से चलाते हुए दूध को पका रही हूँ और आप जब भी कभी खोया बनाओ तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने गैस के आसपास रहिएगा, नहीं तो ये दूध कढ़ाई से निकल करके गैस पर आ जाएगा जो कि वेस्ट हो जाएगा। तो अपने दूध पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, अपने गैस के हो सके तो गैस के आसपास ही रहिएगा, जिससे कि आप दूध पर नज़र रख सको और बीच बीच में इसे हिलाते रहो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं साइड से भी इसकी किनारियाँ छुड़ा रही हूँ और नीचे तक अपनी चम्मच को हिलाएंगे ताकि हमारा दूध जले ना और साइड में भी चिपके ना, जिससे कि हमारा खोया काफ़ी अच्छा बनेगा। देखिए, मैंने थोड़ा पकाने के बाद आपको अब दिखाया है, क्योंकि मैं अगर आपको लगातार दिखाती रहूँगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हो हमारा दूध काफ़ी हद तक पक चुका है, काफ़ी कम हो चुका है और अभी भी मैं इसे कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए पका रही हूँ। आप देख सकते हो कि साइड से भी मैं इसे छुड़ा रही हूँ, नीचे तक चम्मच को हिला रही हूँ कि हमारा दूध कहीं भी लगे ना और फटे ना। फ्रेंड्स, हम घर पर ही रह करके अपने घर पर बिल्कुल प्योर खोया बना सकते हैं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मिलावट के। तो इसलिए मैं घर पर ही आज आपको खोया बनाना सिखा रही हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल प्योर दूध है, 2 लीटर दूध में आप आधा किलो खोया निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल प्योर दूध लीजिएगा, पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर में कहीं से दूध आता है, जैसे कि भैंस का दूध, गाय का दूध, तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि भैया हमें प्योर दूध दीजिएगा। आप पैकेट के दूध का भी खोया बना सकते हो। आप जैसा भी दूध यूज़ करना चाहो वो आपकी मर्जी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारा खोया काफ़ी हद तक पक चुका है, दूध ये आधे से भी कम हो चुका है। तो अभी हमें कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए पकाना है। आप देख रहे हो कि मैं साथ साथ साइड से भी इसे हटा रही हूँ और नीचे भी अपनी चम्मच को कंटिन्यू हिला रही हूँ, ताकि हमारा दूध नीचे से जले नहीं और साइड में कहीं चिपके नहीं। तो आप भी इसी तरह से अपनी चम्मच को कंटिन्यू रखिएगा जब भी आप कभी खोया बनाओ। फ्रेंड्स, जब भी कभी फेस्टिवल्स शुरू होते हैं, जैसे कि होली, दिवाली या फिर कोई और त्यौहार, तो उस टाइम पे आपने ध्यान दिया होगा कि काफ़ी हद तक मिलावटी खोया बिकता है और काफ़ी हद तक मिलावटी खोया पकड़ा भी जाता है। तो इसीलिए मैं घर पर खोया बनाती हूँ। जब भी कभी मुझे कोई चीज़ बनानी होती है तो मैं खोया अपने घर पर ही तैयार करना पसंद करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अगर खोया बनाओगे तो बिना किसी मिलावट के बिल्कुल प्योर खोया आप यूज़ कर सकते हो।
और बातों ही बातों में हमारा खोया काफ़ी हद तक पक चुका है। बहुत कम टाइम इसमें अब लगेगा कि हमारा खोया बनकर के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं लगातार इसे चला रही हूँ ताकि हमारा खोया अच्छे से पक जाए और कहीं पे भी इसमें जलने की स्मेल ना हो। अगर ये थोड़ा भी कहीं से जलता है तो इसमें जलने की स्मेल हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप घर पे खोया बना रहे हो तो उसे अगर आप 4-5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर देते हो तो आप 4-5 दिन तक उसे कभी भी यूज़ कर सकते हो और वो ख़राब भी नहीं होगा। फ्रेंड्स देखिए हमारा खोया कितने अच्छे से पक रहा है। खोया बनाना काफ़ी आसान है और हम इसे घर पर ही रह कर के बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं चम्मच से लगातार चलाते हुए इसे पका रही हूँ। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आप मलाई रखते हो, काफ़ी घरों में मैं देखती हूँ कि ऊपर से दूध के ऊपर से मलाई निकाल करके अलग रख लेते हैं जिससे कि हम बाद में घी बना लेते हैं, तो अगर आप खोया बना रहे हो और उस मलाई को भी इसमें ऐड कर देते हो तो उसका भी खोया बन जाएगा और आपका खोए की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स मलाई खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारा खोया कितना अच्छे से पकने लगा है। थोड़ी सी देर और लगेगी और हमारा खोया बनकर के तैयार हो जाएगा। खोया काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है और स्वीट डिश में तो तकरीबन होता ही है। अगर हम अपने घर में कोई खीर या कोई हलवा वगैरह भी बना रहे हैं और उसमें भी अगर हम थोड़ा सा खोया डाल देते हैं तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने आज आपको खोया बना करके दिखाया है कि हम अपने खोए को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारा खोया तो बनने वाला ही है और इसका कलर कितना सुंदर आया है। जब आपका खोया पकने वाला होता है तो इसमें से खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स बस इसको थोड़ा सा और मैं सुखाना चाहूँगी। अगर आपने इसे इस स्टेज पर निकाल लिया तो ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और जल्दी खट्टा हो जाएगा। तो अपने खोए को जितना आप सुखा सकते हो उतना सुखाइएगा और अच्छे से पकने के बाद ही उसे किसी अलग बर्तन में निकालिएगा, जिससे कि आपका खोया 4-5 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और फ्रेंड्स उसे आप फ्रिज में ज़रूर लगाइएगा क्योंकि दूध से बनी कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, तो इसलिए आप अपने खोए को फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा और जब भी आपको चाहिए और जितनी मात्रा में आपको चाहिए आप उतना यूज़ कीजिए और अपनी चीज़ का टेस्ट बढ़ाइए। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसका आप अपना टेस्ट बढ़ाइए। खोया बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और उससे हमारी चीज़ें काफ़ी यम्मी बन जाती हैं। तो आप देख सकते हो बातों ही बातों में हमारा खोया बिल्कुल सूख चुका है जैसा कि हमें चाहिए है। तो इस स्टेज पर हम अब इस खोए को हल्का सा और पका करके और किसी बर्तन में निकाल लेंगे। आपने देखा होगा कि मैं खोए से बनी काफ़ी चीज़ें बनाती रहती हूँ। अक्सर खोया कोई भी हम स्वीट डिश बनाते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स खोया डालने से हमारी जो डिश है वो काफ़ी यम्मी हो जाती है, काफ़ी टेस्टी हो जाती है, क्योंकि खोए का टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और हमारी चीज़ को काफ़ी यम्मी कर देता है। जो भी आप कोई डिश बना रहे हो काफ़ी टेस्टी हो जाती है जो कि सभी को काफ़ी पसंद आती है। तो फ्रेंड्स इस स्टेज पर हमारा खोया पक चुका है और अब मैं इसे निकाल करके किसी बर्तन में थोड़ा ठंडा होने के बाद 4-5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा खोया काफ़ी अच्छा बन गया है
और मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे तो मैंने अपनी वीडियो के बीच में भी बताया है कि 1 किलो दूध में आपका 200 से 250 ग्राम तक खोया निकलेगा, तो उस हिसाब से आप अपना दूध लीजिएगा जितना भी आपको खोया तैयार करना है। फ्रेंड्स, खोए का स्वाद भी जब ही है जब वो बिल्कुल प्योर है। आजकल मार्केट में मिलावटी खोया बहुत आ रहा है, तो हम आज बिना किसी केमिकल के बिल्कुल प्योर खोया अपने घर पे बनाया है, आज हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और बिना किसी केमिकल के बिल्कुल प्योर अपने घर में खोया तैयार करिए और उसे किसी भी चीज में यूज कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका खोया कैसा बना। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। काफी फ्रेंड्स कहते हैं कि हम लोग वीडियो देख लेते हैं और बाद में ध्यान नहीं रहता है कि हम लोग लाइक करें या सब्सक्राइब करें, तो उस चीज को आप पहले कर दीजिए और वीडियो को बाद में देखिएगा। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।